ऑस्ट्रेलिया में छात्र संघ चुनाव में सपा के प्रत्याशी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवीपी के प्रत्याशी आमने सामने आ गए और आपस में भिड़ गए। मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय के चौराहे पर जहां दो छात्र गुटों के कार्यकर्ताओं में हुई जमकर मारपीट और गोली चलाई गई। गोली चलने से चौराहे पर भगदड़ मच गई। वहीं घायल एक छात्र के कमर में गोली लग गई और दो छात्र समर्थक बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को मौके पर मौजूद छात्रों और पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां गोली लगने से घायल युवक को डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस घटना में शामिल आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छात्र संघ चुनाव को राजनीति का नर्सरी कहा जाता है, लेकिन हम बलिया के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबद्ध श्री मुरली मनोहर पीजी कॉलेज के चुनाव की कुछ झलकियां दिखा रहे हैं, जिसमें छात्र नेता जमीन पर लौटकर वोट मांग रहे हैं तो कुछ सड़कों पर कब्जा जमाए हैं। अगर ये नर्सरी भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी तो ये सड़कों पर बवाल क्यों। मुरली मनोहर पीजी कॉलेज में दो गुटों के टकराहट से और गोलीबारी बलिया जनपद के पुलिसिया व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही है। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। गोली चला था, कहाँ चला था, कैसे, किन चीजों को लेकर? किन चीजों को लेकर गोली चला था? पता नहीं, झगड़ा हुआ था उसमें। तो आज क्या चुनाव होना था क्या? हाँ। किसी का चुनाव था? छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ। तो आपको गोली कहाँ लगी है? कमर में। वो कौन लोग हैं जो मारने वाले हैं? पता नहीं। जैसा आप सभी जानते हैं, बलिया में छात्र संघ चुनाव चल रहा है, जिसमें 8 कॉलेजेस में आज चुनाव हो रहा है। मतदान के समय कॉलेज परिसर के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें से एक छात्र को गोली लगी है और हालांकि उसकी स्थिति अभी बहुत चिंताजनक नहीं है, फिर भी उसको BHU रेफर किया गया है। और दो छात्रों को अन्य चोटें आई हैं जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से डॉक्टर्स द्वारा बताई जा रही हैं। शेष स्थितियां सामान्य हैं। मतदान हो चुका है, अब काउंटिंग की कार्रवाई प्रारंभ होगी।